हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जूहीस किचन फ्रेश एंड डिलीशियस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन की फेमस डिश मेदू बड़ा। तो मैंने यहाँ 4 कप और कटोरी से 2 कटोरी उड़द दाल ली है। इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है। इसे मैंने पर्याप्त मात्रा में पानी रखकर इसे भिगो लेंगे 7 से 8 घंटे के लिए। हमारी दाल फूल गई है, हमने यहाँ पानी निकाल लिया है दाल का। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। यदि आपको पानी की आवश्यकता हो तो 2 से 3 टीस्पून पानी डाल के स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। यह हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसे हमने करी पत्ता ऐड कर लिया है। हम इसमें बारीक कटा हुआ हरी धनिया ऐड कर लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए 5 से 10 मिनट तक फेंटना है। ऐसा करने से हमारे बैटर में हवा बनेगी और मेदू बड़ा नरम और फ्लफी बनेगा। ध्यान रहे, एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है। यह हमारा बैटर तैयार हो गया है। हमारा बैटर बहुत ही फ्लफी बना है। अब हम यहाँ पैन में तेल गरम कर लेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम हाथों में पानी लेकर गीला कर लेंगे और एक बॉल का शेप देंगे और फिंगर की सहायता से बीच में एक छेद करेंगे और इसे तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। हमें दोनों साइड से अच्छा सुनहरा होने तक के फ्राई करेंगे। हम इसी प्रकार सभी वड़े को तैयार कर लेंगे। हाथों को गीला करते हुए हमें वड़े बनाना है। दोनों हाथों से बॉल का शेप देते हुए हम बीच में एक छेद कर लेंगे वड़े के और उसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। हमें दोनों साइड से अच्छा सुनहरा होने तक के और कुरकर होने तक के फ्राई करना है। सभी बड़े को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बड़े कितने फ्लफी दिख रहे हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं हमारे बड़े बहुत सुनहरे हो चुके हैं। हम इसे अब प्लेट में निकाल लेंगे। ध्यान रहे, आप जब भी दाल को भिगोएं तब आप इसे ज़्यादा समय के लिए नहीं भिगोएं। ऐसा करने से बड़े तेल को सोख सकते हैं और आपके वड़े बहुत ऑयली ऑयली बनेंगे। आपका बैटर स्मूथ होना चाहिए, इससे आपके वड़े अच्छे बनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे वड़े कितने अच्छे बने हैं। आप भी घर में बनाइए वड़े, फ्रेश, बिल्कुल टेस्टी, यम्मी और क्रिस्पी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। आपको अब मार्केट जाके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे वड़े कितने सुनहरे हो गए हैं। तो हम सभी वड़े को एक प्लेट में निकाल लेंगे।
आप जितना ज़्यादा फेटेंगे बैटर को, उतने अच्छे आपके वड़े तैयार होंगे। तो यहाँ हमारे सभी वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे कितने वड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और फ्लफी बने हैं। अब हम इन्हें नारियल की चटनी सांभर के साथ सर्व करेंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।